नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड टीम को वनडे सीरीज में 4-1 से हराकर जहां हर भारतीय का दिल खुश कर दिया, वहीं न्यूजीलैंड से बेहद दर्दनाक घटना आ रही है। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के खिलाड़ी हरीश गंगाधरन की बीते शनिवार क्रिकेट मैदान पर मौत हो गई जब वो अपने क्लब के लिए क्रिकेट खेल रहे थे। ये मैच न्यूजीलैंड के शहर डुनेडिन में खेला जा रहा था। शनिवार को मैच में 2 ओवर बॉलिंग फेंकने के बाद गंगाधरन को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद वो मैदान पर लेट गए। आनन फानन में उन्हें चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराई गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें, केरल के कोच्चि से संबंध रखने वाले हरीश गंगाधरन न्यूजीलैंड में पत्नी निशा हरीश और 3 वर्षीय बेटी गौरी के साथ रहते थे। हरीश की मौत के बाद उनका परिवार सदमे में है। गंगाधरन शानदार ऑलराउंडर थे और ग्रीन आइसलैंड के लिए 6 सीजन भी खेल चुके थे। साथ ही खिलाड़ी साइरस बर्नाबास के मुताबिक शनिवार को खेले गए मैच से पहले गंगाधरन ने 3 बातें कही थी। पहली, यह टीम कम से कम 250 रन का स्कोर बनाएगी, वहीं दूसरे 50 ओवर खेलेगी। तीसरी बात उन्होंने बताया थी कि एक खिलाड़ी को ही शतक लगाएगा। बीच मैदान पर हुई इस घटना के बाद जहां खिलाड़ियों में शोक की लहर है, वहीं क्रिकेट जगत में सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर आप भी अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।